होमगार्ड जिसे अर्धसैनिक बल के नाम से भी जाना जाता है, जिसे अक्सर आपने जनता को सुरक्षा प्रदान करते हुए देखा होगा, लेकिन आज इनके द्वारा पर्यावरण को बचाने का अनूठा कार्य किया गया। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि होमगार्ड के जवानों ने बसाल हेलीपैड पर बरसों से फैली गंदगी को न केवल साफ किया, बल्कि जहाँ गंदगी का साम्राज्य था वहाँ पर सुंदर फूल पौधे भी रोपे। ये सभी कार्य जिला कमांडेंट होमगार्ड शिव कुमार के निर्देशों पर किया गया। इस मौके पर बसाल के प्रधान देवेंद्र कुमार भी मौजूद थे। बसाल पंचायत के प्रधान देवेंद्र कुमार ने कहा कि हेलीपैड पर पर्यटक अक्सर बाहर से आते हैं और यहां पिकनिक मनाकर वे गंदगी फैलाकर चले जाते हैं। यहां तक कि आसपास के निवासियों ने निर्माण कार्य से बचे कचरे को भी यहीं ठिकाने लगा दिया था और ये गंदगी पिछले कई वर्षों से बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन होमगार्ड कमांडेंट शिव कुमार ने इस स्थान का जीर्णोद्धार किया और अपनी टीम के साथ यहाँ मौजूद गंदगी को एकत्र करवाया और यहाँ फेंके गए कचरे का उपयोग कर सुंदर फूलों के पौधों को रोपा गया, जिससे यहाँ की सुंदरता पर चार चांद लग गए हैं। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डॉक्टर शिव कुमार का, जो कमांडेंट है होमगार्ड के, और इनकी पूरी टीम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने यहाँ पे ये सफाई अभियान चलाया। और यहाँ पे जैसे कि आपके सामने लगभग 50 कट्टे डेबरीज के और ये जो प्लास्टिक वगैरह कूड़ा करकट था, इन्होंने यहाँ से इकट्ठा किया और इस जगह को सुंदर बनाया। जो यहाँ पे हेलीपैड पे, बसाल के हेलीपैड पे यहाँ पे कूड़े की या जो गंदगी की समस्या है, इसके लिए जो बाहर से यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ पे खान पान का इनका अपना प्रोग्राम रहता और सारे यहाँ पे गंद फैला के चले जाते हैं। इसके लिए हमने कई बार पुलिस प्रशासन को भी लिखा है कि वो भी समय समय पर आके यहाँ पे गश्त करते रहते हैं और कई बार यहाँ पे कई लोगों को पेनलाइज भी किया इस सिलसिले में, परंतु यहाँ पे लोग इतने हैं कि, और शायद प्रशासन और पंचायत भी इतनी ज़्यादा हमेशा 24 घंटे यहाँ पे उपलब्ध नहीं रह सकती, लोग उसके बावजूद भी यहाँ पे कूड़ा करकट फैलाते ही हैं। पर आज जिस तरह से इन्होंने यहाँ पे कार्य किया है, और स्पेशली मैं जो डॉक्टर शिव कुमार का इसलिए भी शुक्र गुज़ार हूँ और इसलिए भी इनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि यहाँ पे इन्होंने जो डेबरीज थी, जो लोगों ने अपने मकान को रेनोवेशन के टाइम जो कूड़ा करकट निकलता है उसका, इन्होंने ना केवल उसकी सफाई की, उससे इन्होंने क्रिएटिव चीज़ तैयार यहाँ पे की। जैसे नेकराम जी ने रॉक गार्डन बनाया था चंडीगढ़ में, वैसे ही इन्होंने यहाँ पे सारे डेबरीज से बहुत बढ़िया क्यारियाँ बनाई है। साथ ही यहाँ पे फूल के जो छोटे छोटे पौधे थे वो उसमें इन्होंने लगा के बहुत ही खूबसूरत इस जगह को बना दिया है, तो इसके लिए तो मैं इनका विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा। इस मौके पर होमगार्ड कमांडेंट शिव कुमार ने बताया कि वे स्थल पर घूमने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पसरी गंदगी को देखकर वे बेहद आहत हुए। तब उन्होंने मन में ठान लिया था कि वे इस स्थल को साफ कर यहाँ पर फिर से सुंदरता को वापस लौटाएंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ पर लोग सुबह सैर करने के लिए आते हैं, खिलाड़ी भी यहाँ कई तरह के अभ्यास करते हैं, लेकिन वे सभी यहाँ आकर काफी मायूस होते थे, इसलिए यहाँ फैली गंदगी को सफाई अभियान के तहत साफ करवाया गया और यहाँ पौधों को रोपकर सुंदर वाटिका का निर्माण भी किया गया। देखिए, ये जो बसाल का हमारा हेलीपैड है और ग्राउंड है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। यहाँ पे साथ में जैसे आप देख सकते हैं करोल का टिब्बा है, और इसके अलावा इतनी अच्छी ग्रीनरी वाली साइट है यहाँ पे, और यहाँ पे काफ़ी लोग सुबह और शाम को घूमने आते हैं। शाम को भी लोग थोड़ा शहर की ज़िंदगी से हट के यहाँ आना चाहते हैं। तो ये कोई 10 दिन पहले मैं यहाँ आया था फैमिली के साथ, तो मुझे लगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी पड़ी हुई है और लोगों ने जैसे प्लास्टिक रैपर्स हैं, लेज के पैकेट्स हैं, बॉटल्स हैं या कुछ डेवरीज हैं, वो बड़ी बुरी तरह से यहाँ पे फेंकी हुई है। तो इसको फिर मैंने ऑफिशियल लेवल पे डिस्कस किया और हमने इसका एक प्लान बनाया कि क्यों ना हम इसको साफ करें और जो गंदगी है इसको यहाँ से निकाला जाए। तो फिर जो लोकल यहाँ के प्रधान साहब हैं उनसे भी मैंने डिस्कस किया, और क्योंकि उनकी जुरिस्डिक्शन में ये एरिया आता है, तो आज मेरा कोई 25 आदमी की टीम लेके मैं यहाँ आया था होमगार्ड्स का, क्योंकि सोशल वर्क का एक मैंडेट रहता है, तो उसके तहत आज हमने यहाँ पे सफाई की और जितना बेस्ट तरीके से हो सकता था वो की है। और लगभग इसमें मुझे लगता है कोई 50 बोरियाँ जो है हमारी कूड़े की निकली हैं। इनको जो सलोगड़ा में कूड़ा से अंतर है
उस पे हम डिस्पोजल के लिए दे रहे हैं। इस बारे में मेरी ईओएमसी से बात हुई है। और इसके अलावा थोड़ा सा हमने जो यहाँ पे कुछ जो ब्रिक्स के पीसीस थे उनको यूज़ करके, वो भी लोगों ने यहाँ फेंके हुए हैं, उनको यूज़ करके थोड़ा सा यहाँ पे हमने प्लांटेशन भी की और एक क्यारी यहाँ पे डेवलप की है और उसमें प्लांट्स लगाए हैं। कुछ लोगों से मेरी ये अपील है कि ये जो नेचुरल जगहें हैं ये सबको अच्छी लगती हैं, हर कोई ग्रीनरी देखना चाहता है, लेकिन जब हमारा एस्पेक्ट अपने पे आता है तो हम लोग जो सारा कूड़ा करकट है उसको ओपन में फेंक देते हैं और उसके लिए जो जिम्मेवारी है वो सरकार पे डालने की कोशिश करते हैं। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का भी संदेश है कि हम लोगों को स्वच्छता की तरफ फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए, तो मेरी लोगों से यही अपील है कि आप आइए यहाँ पे, क्योंकि ये नेचर की गिफ्ट है इस एरिए के लिए। और बसाल वैसे भी ये ग्राउंड, फेमस ग्राउंड बनता जा रहा है और काफ़ी यहाँ पे टूर्नामेंट्स और लोग घूमने आते हैं, सुबह शाम की सैर के लिए लोग यहाँ, बुजुर्ग लोग आते हैं, बच्चे खेलने आते हैं। तो इस जगह की ब्यूटी को मेंटेन करके रखें और इसको फर्दर भी मैं एक्सप्लोर करूँगा कि अगर इसमें कोई डस्टबिन का प्रोविज़न हो सकता है तो उसको जो है एक्सप्लोर किया जाएगा। और लोगों से मेरी यही अपील है कि आप कूड़ा जो है वो ओपन में ना फेंकें।